नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। देश में कोरोना के घट रहे केसों के बीच एक बार फिर राजधानी दिल्ली में नए मामलों में तेजी देखने को मिली है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7498 नए केस सामने आए हैं, जो मंगलवार के मुकाबले करीब 24 गुना ज्यादा है, जिसने एक बार फिर दिल्ली वालों की टेंशन बढ़ा दी है। नए केसों को मिलाकर अब दिल्ली में कुल कोरोना केसों की संख्या बढ़कर 18,10,997 हो गई। वहीं कोरोना संक्रमण दर की बात करें तो 10.59% हो गई है, जो एक दिन पहले 10.55% थी। पिछले 24 घंटों में यहां 29 मरीजों की मौत भी इस जानलेवा वायरस की वजह से हुई है, जिन्हें मिलाकर मृतकों का कुल आंकड़ा 25,710 हो गया है। इस दौरान 11,164 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और अब तक कुल 17,46,972 लोग कोरोना को मात देने में कामयाब रहे हैं। वहीं पूरे भारत की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 285,914 नए कोरोना केस दर्ज किए गए। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 4,85,116 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2,99,073 लोग ठीक हुए हैं। अब तक 3,73,70,971 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। देश में अभी रिकवरी दर 93.23% है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 665 मौतें दर्ज की गई हैं। इसके साथ ही मृतकों की कुल संख्या 4,91,127 हो गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।